एक बार फिर स्वागत, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर अर्ली प्राइम टाइम शो झारखंड प्राइम का ये बुलेटिन। राज्य पुलिस ने बिहार से जुड़े एक हथियार सप्लायर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो झारखंड में नक्सलियों और अपराधियों के गिरोह को हथियार मुहैया कराता था। इस मामले में दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इनके पास से गोलियां और नकदी बरामद हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बिहार के गया के रहने वाले ये दो अपराधी ईश्वर पांडे और प्रीतम मिश्रा हैं। दोनों मूल रूप से गया जिले के ही रहने वाले हैं। हालांकि प्रीतम फिलहाल रांची में रह रहा था और हाल के दिनों में उसका साथी भी वहीं शरण लिए हुए था। जानकारी के मुताबिक इन सप्लायरों ने बिहार के भोजपुर इलाके से ही कारतूस लिया था। ये दोनों जो है गया के रहने वाले हैं और इनसे हम लोग गया पुलिस से भी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर इनका कोई अपराध के खिलाफ रहा है या नहीं रहा है। ये मुख्य रूप से जो है दूसरे राज्यों से ही गोली का इंजाम करके यहाँ पर लाकर उसी खरीद बिक्री करते थे। जानकारी मिली है कि दोनों आरोपियों को रांची के पिस्का मोड़ में गोलियां पहुंचाई गई थी, जिसके बाद इन गोलियों को लेकर मोहरतका जंगल में नक्सलियों तक पहुंचाना था। इसके पास से 295 AK-47 की गोली मिली है, साथ ही 1,93,000 रुपए भी इनके पास से कैश बरामद हुआ है। यह गोली कहाँ जाने वाली है इसकी सूचना हम लोगों ने प्राप्त की है, इस पर अनुसंधान अभी तक जारी है ताकि इसका मेन जो डेस्टिनेशन है उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर पाए। इससे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये गोलियां नक्सली संगठन तक पहुंच सकती है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस नेक्सस का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ साथ अर्धसैनिक बलों में भी इनकी पहुंच है और कहीं न कहीं सप्लाई का चेक इन जगहों से भी जुड़े होने की पूरी आशंका है। हालांकि मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन पुलिस का इतना कहना जरूर है कि इस गिरोह का चेन न सिर्फ बिहार बल्कि अन्य राज्यों से भी जुड़ा हो सकता है। न्यूज़11 भारत के कैमरा पर्सन रोहन के साथ दीपक और इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़11 भारत, सच है तो दिखेगा।